सुप्रभात बच्चों, मैं गौरव पाठक आज हिंदी व्याकरण क्लास 9 और 10 के अंदर है हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। क्रिया आप भर क्या है, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, बोलना आदि, यानी जिस माध्यम से वाक में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे ना क्रिया। और क्रिया को जो उपभोग करता है, यानी क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे हम कर्ता कहते हैं। इसमें नाम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अगर दौड़ रहा है क्या हो जाएगा? क्रिया, यानी क्रिया को करने वाला होना चाहिए। क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे हम कर्ता करते हैं, जिसको यूज होता है डूअर एज ए सब्जेक्ट। अब क्रिया का परिभाषा हो गया। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया का कितना भेद होता है? तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भाग में बांटा गया, दो भेद। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का इंग्लिश बोलते हैं कर्मेटिव वर्ब, और कर्मेटिव वर्ब हो गया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये थे दो भेद कर्म के आधार। सबको क्लासिफाई किया गया है, तो कर्म पर के आधार पर सबको पहले जानेंगे कि क्रिया कितने होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सर्व सो कार्य साव और कर्म सो सकर्म विथ ऑब्जेक्ट, और अकर्मक क्रिया विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया बिना कर्म के हो, यानी जो सेंटेंस बिना कर्म का हो उसे अकर्मक क्रिया, और जो सेंटेंस कर्म के साथ हो उसे हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम हो गया का कर्ता, क्योंकि क्रिया का उपभोक्ता कौन है? उपभोग करने वाला कर्ता होता है, जिसको हम बोलते हैं डूअर एज ए सब्जेक्ट। और आम आम का हो गया कर्म, खाता है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो राम आम खाता है, यानी ये सेंटेंस जो आपका है वो कर्म के साथ, क्योंकि राम क्या खाता है? किसको खाता है? तो आम को खाता है। कर्ता ने कर को, राम आम को खाता है, को जैसे साइलेंट करता है, जो परसर्ग रहते हैं कारशील रहते हैं वो साइलेंट करते हैं। इसका स्टैंड क्लियर हो गया कि राम आम खाता है, तो आम जो हो गया आपका कर्म हो गया, खाता है क्रिया हो गया, राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। यह कर्म के साथ, इसलिए एक सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई कर्म नहीं होता है, इसमें कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन होता है। राम सिर्फ कर्ता, अब खाता है सिर्फ क्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए इसको जो क्या है अकर्मक। आम इस होता है नहीं, और कर्म इस होता है कर्म नहीं, कर इनकर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया, कर्म साथ में है तो सकर्मक हो गया। ये आपके एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैंने इस तरह से क्लियर किया। अब हम पढ़ते हैं, जानना चाहेंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है एककर्मक क्रिया, और दूसरा भेद का नाम द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक
और द्विगर्भक क्रिया क्या है। तो एक गर्भक इसका नाम बताया गया है कि जिस सेंटेंस में केवल एक ही कर्म होता है, कर्ता क्रिया के बाद सिर्फ एक ही कर्म होता है, उसे हम एक गर्भक। जैसे राधा खीर खाती है, राधा क्या हो गया कर्ता, खीर क्या हो गया कर्म, और खाती क्या हो गया क्रिया। कर्ता का क्रिया से इसमें जिस वाक्य में केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्म क्रिया राधा के खाती है, राधा कर्ता खीर कर्म और खाती है क्रिया। अब द्विकर्म क्रिया में जैसा इसका नाम बताया गया द्विकर्म, द्विकर्म का मतलब दो कर्म, यानी जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में दो कर्म रहता है, दो ऑब्जेक्ट रहते हैं सब्जेक्ट के साथ में, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिता ने मुझे चित्र दिखाए, अनिता ने मुझे चित्र दिखाए, तो अनिता ऑलरेडी करता है क्योंकि चित्र देखने वाली है, मुझे क्या हो गया एक कर्म और चित्र क्या हो गया दो कर्म, इसमें दो कर्म एक मुझे और दूसरा चित्र, इसलिए क्या होगा ये द्विकर्म, द्विकर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया का उदाहरण। अनिता ने मुझे चित्र दिखाया, उसने मुझे पाठ पढ़ाया, उसने मुझे पाठ पढ़ाया, ये क्या हो गया इसमें एक मुझे हो गया कर्म और पाठ दूसरा हो गया कर्म, और पढ़ाया क्या हो गया क्रिया हो गया, और उसने क्या हो गया कर्ता हो गया, इसमें दो दो क्रिया है इसलिए क्या हो जाएगा ये द्विकर्म क्रिया का, इसमें दो कर्म है इसलिए ये हो जाएगा द्विकर्म क्रिया का और कर्म क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म होता है। जैसे राधा खीर खाती है और भात खाता है किताब पढ़ता है, ये सारे एग्जाम्पल एक कर्म क्रिया है। तो एक कर्म क्रिया एक ऑब्जेक्ट, द्विकर्म क्रिया दो ऑब्जेक्ट दो कर्म। अब हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचान, यानी कहने का मतलब है इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सकर्मक है या अकर्मक, अकर्मक है। तो बच्चा शरबत पी रहा है, इसमें क्या होता है कि अगर कर्ता के द्वारा प्रश्न पूछने पर अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, और कर्ता के द्वारा प्रश्न नहीं प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। अब इसको देखेंगे हम कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया को पहचान, जैसे इसमें दिया है लता ने अनिता ने मुझे चित्र दिखाया, अनिता ने मुझे क्या दिखाया चित्र दिखाया, कौन दिखाया किसने दिखाया उसने दिखाया, तो ये दो क्वेश्चन आए। तो ये क्या मिलेगा आपका ये एग्जाम्पल द्विकर्मक क्रिया का, ये द्विकर्मक क्रिया का होता है। अब इसमें एक आ जाएगा वो द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल, पापा ने भैया को कार दिखाई, उदाहरण लिए हम पापा ने भैया को कार दिलवाई, किसको दिलवाई अप्रत्यक्ष भैया को, पहला प्रश्न हुआ किसको दिलवाई तो भैया को, ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या किसको दिखा है मुझे, किसको दिखा है तो मुझे, ये क्या हो गया आपका प्रत्यक्ष कर्म का एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, और एक हो गया आपका
पापा ने भैया को कार दिखाई, कार क्या हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर्म, और भैया क्या हो गया आपको मुझे, है ना, प्रत्यक्ष कर्म हो जाएगा। तो कार हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर्म और भैया क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर्म। ये सब पहचान का नियम होता है और जनरली तौर पे हम इसे पहचान सकते हैं सकर्मक क्रिया में। सकर्मक किस होता है, कर्म साथ में हो, सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म का समन्वय होता है उसे सकर्मक क्रिया, और वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के दो भेद होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक, लेकिन अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता क्योंकि वो विदाउट होते हैं पहले से। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक कर्म होता है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं तो मैं करता किताब हो गया कर्म, और पढ़ता हूं क्या हो जाएगा क्रिया। द्विकर्मक में राधा ने मुझे चित्र दिखाया तो राधा करता मुझे हो जाएगा कर्म, चित्र भी क्या हो जाएगा कर्म और दिखाया क्या हो जाएगा क्रिया। ये हम कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को मैंने इसका भेद विश्लेषण बताया है उदाहरण के साथ, और मैं अगले अध्याय में इसका क्रिया का विस्तृत रूप बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।